दुनिया भर की तमाम संस्कृतियों के लोग भूत प्रेत जैसी चीजों में विश्वास रखते हैं, लेकिन क्या भूत सच में होते हैं? भूत का अनुभव करने का दावा दुनिया में ज्यादातर लोग करते हैं और आज भी भूतों के बारे में बहुत सी भूतिया घटनाएं प्रचलित हैं, लेकिन इन कहानियों में कितनी सच्चाई है और लोगों को ऐसी घटनाओं के दौरान कैसा एक्सपीरियंस होता है? लेकिन विज्ञान भूतों के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारता है। विज्ञान का भूतों के बारे में एक अलग ही मत है। आइए विज्ञान की दृष्टि से भूतों को जानते हैं। इंफ्रासाउंड। आमतौर पर कहा जाता है कि कुत्ते और बिल्लियों को भूतों का एहसास जल्दी होता है। हम मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज की आवाजें सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से नीचे की आवाज को सुनना बेहद मुश्किल है और इस तरह की खामोश आवाजों को इंफ्रासाउंड कहा जाता है। लेकिन इन खामोश आवाजों को कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर बड़ी आसानी से सुन लेते हैं। डॉक्टर रिचर्ड वाइजमैन के मुताबिक, हम इंफ्रासाउंड को सुन तो नहीं सकते, लेकिन इसकी तरंगों को अपने पेट में महसूस जरूर कर सकते हैं और ये तरंगें हमारे मन में नेगेटिव या पॉजिटिव फीलिंग्स को उत्पन्न करती हैं। हमारी आंखों की हलचल भी इंफ्रासाउंड को उत्पन्न करती है। वैसे तूफान, हवाएं, मौसम के पैटर्न और हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो डिवाइसेज यूज करते हैं, ये सब इंफ्रासाउंड को उत्पन्न करते हैं। कभी कभी इंफ्रासाउंड की वजह से हमारे मन में नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं और अगर बाई चांस सुनसान जगह हो तो हम बोल देते हैं कि यहाँ भूतिया साया है और ऐसी हलचल का एहसास जानवरों को तुरंत होता है। टेम्परेचर। ऐसा माना जाता है कि भूतिया जगहों पर अचानक ठंडी हवा बहने लगती है और उस जगह पर अगर आप कुछ कदम आगे या कुछ कदम पीछे बढ़ाएं तो तापमान फिर से नॉर्मल हो जाता है। ऐसी जगहों को भूतों का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक कोल्ड स्पॉट कहते हैं। घोस्ट हंटर्स के अनुसार एक ठंडा स्थान असाधारण गतिविधि का संकेत होता है। हालांकि कोल्ड स्पॉट के बारे में वैज्ञानिकों का अलग ही विचार है। विज्ञान कहता है कि हर एक वस्तु के पास खुद का तापमान होता है और कुछ चीजें दूसरी चीजों की तुलना में ज्यादा गर्म होती हैं। तापमान को संतुलित करने के लिए ऐसे पदार्थ अपनी गर्मी खोते हैं और इस प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। और यह घूमती हुई हवा किसी व्यक्ति की त्वचा की तुलना में ज्यादा ठंडी होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का पता लगाना बेहद मुश्किल है क्योंकि यह एक बिना गंध और बिना रंग वाली गैस है। यह एक खतरनाक गैस है क्योंकि हमारी लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा आसानी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करती हैं और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस कारण कमजोरी, मितली और हेल्यूसिनेशन जैसा अनुभव होता है, जिसकी वजह से अचानक अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं जिसे हम भूत समझते हैं और बाद में उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पदार्थ को एटम के लेवल पर स्टडी किया जाता है। डॉक्टर स्टुअर्ट हेमरोव और उनके भौतिक विज्ञानी दोस्त रोजर पेनरोज के अनुसार, इंसान की चेतना हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर की सूक्ष्म नलिकाओं से आती है और इन्हीं नलिकाओं की वजह से क्वांटम प्रोसेसिंग होती है। जब इंसान मरने वाला होता है तो दिमाग में मौजूद सभी क्वांटम इन्फॉर्मेशंस दिमाग से बाहर निकलने लगती हैं, लेकिन क्वांटम इन्फॉर्मेशन बाहर होते हुए भी अस्तित्व में रहती हैं। इसलिए कुछ लोग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की बात करते हैं और किसी टनल के एंड में एक तेज रोशनी को देखते हैं। मास हिस्टीरिया। जून 2013, गाजीपुर बांग्लादेश में एक गारमेंट फैक्ट्री के 3000 वर्कर्स ने हड़ताल कर दी। वो वर्कर्स ना ही लंबे समय तक काम करने के लिए विरोध कर रहे थे और ना ही बेहतर वेतन की मांग कर रहे थे। दरअसल बात ये थी कि लेडीज टॉयलेट में एक नाराज आत्मा ने एक महिला वर्कर पर हमला कर दिया, जिससे सभी वर्कर्स पैनिक हो गए और वहां दंगा शुरू हो गया। हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल उन वर्कर्स ने हड़ताल इसलिए की थी
कि वो चाहते थे कि भूत को वहां से भगाया जाए। ऐसी ही एक घटना पटोंग के एक स्कूल में हुई थी। जब एक बूढ़ी औरत ने भूत देखा तो स्कूल के 22 स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। इन दोनों ही केसेज में वर्कर्स और स्टूडेंट्स ने एक साइकोलॉजिकल घटना को अनुभव किया जिसको मास हिस्टीरिया बोलते हैं। जब एक से ज़्यादा लोग एक साथ बहुत तनाव में होते हैं तब यह सामूहिक भ्रम होता है। इसलिए कई बार लोग एक साथ किसी अन्य चीज़ को देखकर उसे भूत समझ बैठते हैं और कई बार तो हालात भी साथ दे देते हैं। कैमरा इश्यूज। कभी कभी तस्वीरें लेते समय प्रकाश के गोले कैप्चर हो जाते हैं। प्रकाश के इन गोलों को लोगों की आत्माएं माना जाता है। आंखों के लिए अदृश्य इन गोलों को केवल तस्वीरों में ही देखा जा सकता है। दरअसल जब कोई कीड़ा या धूल उड़ते उड़ते कैमरा के ज्यादा करीब आ जाते हैं तब वह उस वक्त खींचे हुए फोटो में ब्लर और बिना फोकस के सर्किल के रूप में दिखता है और कैमरा फ्लैश की वजह से यह गोले चमकदार दिखाई देते हैं। इन्हें लोग भूत मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन। दुनिया भर में कई ऐसे जस्मदीद गवाह हैं जिन्होंने छायावादी आकृतियों को देखा है। उनके मुताबिक कोई छायावादी आकृति उनकी तरफ देख रही होती है और जब वे उसे देखते हैं तो आकृति गायब हो जाती है। कई लोग मानते हैं कि ऐसी आकृतियां भूत होती हैं। जब स्विस वैज्ञानिकों ने एक मिर्गी के रोगी के मस्तिष्क की इलेक्ट्रिक उत्तेजना को देखा तो उन्हें एक डरावनी चीज दिखाई दी। रोगी ने उनको बताया कि उसके पीछे एक छाया वाली आकृति खड़ी है जो कि उसकी हरेक हरकत को कॉपी कर रही थी। रोगी के मुताबिक जब वह खड़ा हुआ तो वो आकृति भी उसके साथ खड़ी हुई। जब डॉक्टर ने एक कार्ड उसको पढ़ने के लिए दिया तो आकृति ने वह उसके हाथ से छीन लिया। दरअसल उस वक्त वैज्ञानिकों ने रोगी के दिमाग के लेफ्ट टेम्पोरोपेरिएटल जंक्शन को उत्तेजित किया हुआ था। टेम्पोरोपेरिएटल जंक्शन मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो खुद के विचारों को परिभाषित करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यही कारण है कि लोगों को छाया वाली आकृति दिखाई देती है। कभी कभी हम अनजान साई को अनुभव करते हैं। वो सब हमारे दिमाग की ही उपज होती है। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि भूत होते हैं या नहीं, और ना ही मैंने आज तक किसी भी भूतिया घटना को अनुभव किया है। वैसे भूतों पर विश्वास करना या ना करना सबका अपना अपना मत है। विज्ञान का भूतों के बारे में क्या मानना है मैंने इस वीडियो में केवल वही बताया है। हालांकि जो लोग भूतों पर विश्वास रखते हैं वो भूतों को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भूत वाकई में होते हैं या नहीं? प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना।